먹어 잠긴 쏠개. चल चुका के सबके प्रणाम गोल लगतानी भोजपुरिया जहान हम अक्षरा सिंह स्वागत करे तानी जिला टॉप ई मंच गवाबा जिला के बीच अब तक के ऐतिहासिक जंग के मगर आज ई मंच पर कोनो भी जंग ना होई। आज ई मंच से हम तीन गो जिला के योद्धा जिला गोपालगंज के अलका सिंह पहाड़िया जिला गोरखपुर के जितेंद्र सिंह अंशु और जिला बोकारो के चंदन तिवारी के फाइनलिस्ट बने के अब तक के सफरनामा गौरव गाथा के समेत आयल बानी। दर्शक लोगों से कमेंट आयल कि मजा दिलु तहलका। अरे ससुर धरा ससुर जी तुवरवा आ दीवारा गई लखरिया उठल रजकतिया में। ऐसे ही गाते रहोगे ना बेटा तो बहुत जल्दी सब लोग इसी तरह से संबोधित करेंगे। हम तो अकबक हो गए नहीं भाई, जितना सुंदर हो उतना ही गाना सुंदर, उतना भाव हो उतने सुंदर, बहुत बढ़िया रहेगा। पूरा बोकारो का झंडा गाड़ दिए, जबरदस्त। आज खुली हर वो एक पन्ना जौन इनकर सफरनामा के और भी रोमांचक बना देले बा। हजारों हजार प्रतिभागी प्रस्तुत कैले रहलन आपन आपन जिला के जिला टॉप में दावेदारी। पटना सेंटर पर भइल जमावड़ा सुर वीरन के जिला का नाम रोशन करेंगे। जिला जिला के जंग छिड़ल बा, हम अपने माध्यम से अपना गांव का नाम जनाना चाहते हैं। जिला का नाम रोशन करने के लिए आते हैं। देखा सुर के बिगुल बजल बा, अरे आई हो दादा कैसन पियावा के चाही। हमर दावा बा की जिला देवरिया जीती 100% में 100% दावा बा। छपरा जिला जीतेगा। सिर्फ 24 गो जिला के दावेदारी भइल रहे स्वीकार। इहे 24 गो जिला में रहले ई 3 गो जिला के फाइनलिस्ट। आई देखी कैसे इनका के मिलल रहे ई 3 योद्धा के आपन आपन जिला के कमान। पत्तू लगा बेलू जब लिपस्टिक ही लेहला आर आर्टिस्टिक जिला टॉप लागे गलू। कमरिया 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 हक और है लपा लॉली टॉप लागे। गोरखपुर से जिन लोगों ने ऑडिशन दिया था और जो फाइनल राउंड तक पहुंचे थे वो आप लोग हैं। इनमें से जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिसका नाम हम सब लोगों ने मिलके सेलेक्ट किया है, उसका नाम है जितेंद्र सिंह। जिला के खातिर जान लड़ाई, जिला टॉप हम बन के आए। नाम हम है अलका सिंह पहाड़िया, जिला गोपालगंज से हम आए बनी ऑडिशन देवे के जिला टॉप के। सबके कहल चाहतनी जे भी बा ऑडिशन दे आइल बा सब कोई सावधान हो जाए, काहे कि हम अलका सिंह पहाड़िया जिला टॉप अपन जिला के नाम रोशन करब। आप दोनों नहीं बहुत अच्छा गया। गोपालगंज से अलका जी का सिलेक्शन होता है। जिला के खातिर जान लड़ाई, जिला टॉप हम बन के आए। आज मिलल हमके जिला टॉप के खिताब जीतल बानी मेगा ऑडिशन में और हम चैलेंज करते नहीं कि हम अपन जिला के बनाब एकदम नंबर वन टॉप जिला। नाम चंदन तिवारी, जिला बोकारो झारखंड। बोकारो से जो कि आज अनुपस्थित रही और हमारे मेगा ऑडिशन में नहीं आ पाए, इसलिए बोकारो
सिटी से आप सिलेक्टेड। मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं अपने बोकारो झारखंड जो है नंबर वन बनाऊंगी। ये तीनों योद्धा के जज्बा तो ऑडिशन में ही झलक गई रहे कि कौनो भी कीमत पर अपन जिला के जिला टॉप बना के रह। लागल कि पूर्णिमा जी की दोसर मतलब रूप कैसे हो गई भाई। बाकी के 21 जिला के मात दे के ये तीन गो जिला आज पहुंच गई बा ग्रैंड फिनाले। हीरा वाकई तू है हमार हीरा। अलका सिंह आप फिनाले में पहुंच चुके हैं टॉप थ्री में। जंग के मैदान बटे कोई ना कोई के जाए के बाद आखिरी में एक ही कोई बच्ची जहाँ से जीत के जाए। जितेंद्र सिंह अंशु, राजेश जी से आपके भेटाइल 10 नंबर, इंदु जी से भेटाइल 10 नंबर, मोहन जी से भेटाइल 5 नंबर और आलोक जी से भी भेटाइल 5 नंबर, यानी कि टोटल भइल 30। पिछलका एपिसोड में 25 और 30 मिला के भइल 55 नंबर, यानी कि आप टॉप 3 में आ गए बानी। चंदन तिवारी, राजेश जी से आपके भेटाइल 9 नंबर, इंदु जी से भी 9 नंबर, मोहन जी से 4 नंबर और आलोक जी से 5 नंबर, तो टोटल भइल 27 नंबर और पिछला एपिसोड में आपके मिलल रहे 30 नंबर, यानी कि टोटल मिला के 57 नंबर। आप सेफ है और टॉप 3 में आ चुकी है। शुरू से लेकर अब तक ऐसन बहुत पल रहे जे इस संघर्ष के रोमांच से भर देलस। आज एक एक पल के हम फिर से करब याद। अभी हम बुलावे के जा रहल बानी पहला फाइनलिस्ट जिला के योद्धा के, एगो ऐसन सिपाही के जे बचपन से ही संघर्ष देखली, यापन माई के आदर्श बनौली और हर संघर्ष से लड़े खातिर संगीत के हथियार बनौली। जी हाँ, जोरदार ताली के साथ स्वागत करी जिला गोपालगंज के पहाड़ जैसन हौसला वाली भोजपुरिया शकीरा अलका सिंह पहाड़िया के। सबसे पहले तो टॉप 3 फाइनलिस्ट बने खातिर बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। कैसन लागत आपके टॉप 3 में पहुंच के? जन सपना हम कभी सोच ले भी ना रहनी ही तरह है कि हमके गावे बा पूरा जिंदगी, लेकिन इतना बड़ा मंच पे जन जी हम कभी ना सोच ले रहनी कि हमके यहाँ तक पहुँचाई। आज ही मंच पे खड़ा होके ग्रैंड फिनाले में आके बहुत खुश पानी। बहुत फाइनलिस्ट बने के बाद आपके पहला प्रतिक्रिया का बा? हमारा पहला प्रतिक्रिया ये बा कि जन सपना मम्मी हमरा खातिर देख ले रही, वो सपना के हमें आज पूरा कर रहा बानी और मम्मी के रूम रूम में हमने खातिर बस आशीर्वाद पा
और जन सपना मम्मी देख ली बड़ी होकर हम कदम दर कदम पार करत आवत बनी और आज ग्रैंड फिनाले बनी तो मम्मी हमार बहुत खुश हुई है ना, हम भी बहुत खुश बनी मम्मी के सपना के सच करी। हमके पता बा, हमके याद बा उस दिन जब आप इस मंच पे बोलत रहनी कि हमार माई दिन रात पूजा करत रहली हमरा खातिर हमरा परफॉर्मेंस खातिर, तो आज उ माई के कैसन लाग रहल होई, का लागत आपके, आपके बात भइल रहे? भइल रहे बात मम्मी से, मम्मी बहुत खुश बड़ी काहे कि कभी हमने सोचले ना रहनी सर कि इतना बड़हन मंच पे यहाँ तक ले आए। मम्मी जन हमरा खातिर सोचले ली, मम्मी के सपना पूरा होते हुए हमारा सपना पूरा होते हुए बस ये कहे चाहब कि मम्मी हम मम्मी के हर एक चीज मम्मी मिस कर बड़ी अपने लाइफ में बचपन से अभी तक ले जितना हमने के पाल पोस के बड़ा कर बड़ी जितना भी दुख सहले बड़ी सबके अगर मौका मिले तो सब चीज़ के मम्मी के पूरा कर बहुत खुशियाँ दे मम्मी के लाइफ में। हमके भी अपन माई के बहुत याद आ रहा बा कि ई मुकाम पे हम भी पहुँचले बानी, ई मंच मिलल हमके, ई बहुत बड़ बात बा हमरे खातिर भी, हमरो माई ऐसे बिया दिन रात पूजा करत रहली। आपके पिताजी कहीं से देखत हुई है और खुश होखत हुई दिल से आपको इस मंच पे देख के, आज सारे लोग तो आपके जिला के लोग सब खुश हैं। क्या आपके पिताजी का कॉल आया था आपके पास? नहीं नहीं नहीं, कहीं से कुछ खबर आई? कोई खबर नहीं। वो आज यदि देखत हुई हैं तो उनको सर गर्व से ऊंचा करे खातिर मजबूर हो गई हुई हैं और पछतायत हुई हैं, खूब पछतावा होता उनका। इस पक्का 100% विश्वास के साथ हम कहते हैं, हमके भी बहुत खुशी हुई थी कि डैडी हमनी के साथ रहती, काहे कि एक बच्चा के लाइफ में अगर माँ बाप सब साथ रहस ओकरा से बढ़न खुशी कुछ ना होला। बट ऐसा हमरा साथ नहीं के, लेकिन जब हम अपन जिला में गई नी गोपालगंज जिला, वहाँ के लोग हमके इतना प्यार कैलस, यहाँ से गईले के बाद इतना इज्जत देलस, वो प्यार जन हम मिस कही नी डैडी के रूप में, वहाँ के जन लोग बा हमके देलस उनका खातिर हम यहाँ आयल बानी अपन जिला खातिर, तब जिला के बहुत 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 धन्यवाद करब कि हमके वो इतना सपोर्ट कैलस कि हम वो मिस कैनी जन डैडी के मिस करत रहनी वो सब भूल गए नी हम। बस अभी है बाकी गोपालगंज जिला खातिर जीत के यहाँ से जाए के बा, एकदम दम लगा के गावा। बिल्कुल, हम तो यही शुभकामना दे आपके। अच्छा अलका एक बात बतावा, भोजपुरिया शकीरा के खिताब मिलल रहे, इतना बड़ खिताब, बहुत बड़ बात बात। आज कह आज के दिन में आज तहरा हम एगो चीज के घोषणा कर भोजपुरी के है, भोजपुरी समाज के भोजपुरिया शकीरा हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, हम भी सहमत बानी। जब हमके किताब मिलल, जब हमारा पहला एंट्री रहे कि मंच पे गाना के लिए नहीं चली रही आता, हम नहीं सोचले नहीं कि हमके शकीरा कहाल जाई, काहे कि जन शकीरा बानी वो दुनिया के बहुत ही बड़ा हस्ती बहुत। लेकिन हमके राकेश जी आदरणीय गुरु जी हमके भोजपुरियन शकीरा कहने, इतना बड़ा लोग हमके मिलल, हमारा दिमाग बिल्कुल हिल गए रहे, काहे कि हम सोच भी ना करे नहीं कभी कि हमके शकीरा कहाल जाई, वो भी भोजपुरियन। और जब आदरणीय हमार पूर्णिमा मैम खड़ा होके कहने कि हमके ना बुझाइल कि ए मंच पे ए तरह के गायकी हम सुनब, इतना छोट हो करके ए तरह के एक्सप्रेशन जन गाना के डिमांड रहे, सबकी पागल हो गए रहे, वो लोग ज़्यादा हम पागल हो गए रहे नहीं जब के इनाम मिलल तब। क्या बात है, आपके तो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे के खिताब भी बहुत मिलल जी। आपके का लगता कि वो परफॉर्मर ऑफ द डे तो खिताब तो मिलल आपके, लेकिन आपके दिल से कौन खुशी भइल रहे कि कौन परफॉर्मेंस आपके सबसे बेहतर रहे? हमारे हिसाब से जब हमारा पहला ही गाना रहे चली रही आता। क्या बात, काहे कि वो दिन हमके बहुत दुगुना खुशी मिलल, इतना बड़ा मंच पे हम जब आवेस पहले इतना नर्वस रहनी, बुझात रहे एकदम हाथ पैर के एकदम नस
तन तन की अजीब होते रहे फिर पता नहीं किसी को चल रही बाजार है लला मारे ढूंढ कर तयो पे बिहार है लला तने कहा कि तो फुल पैकेज बड़ा चल रही है तो सहल बाजार है लला मारे ठुमका तो यूपी बिहार है लला कमर लच गाये ता कमर लच गाये ता दिल सरकार ही लला। इस मंच पे अभी तक के सफर में आपके बहुत सारा याद बा दिल छू लेहल होए उपल थोड़ा सा बताई हमके हम जब शुरुआत कहीं नहीं हूँ गाना से लेके जब लास्ट हमारा गाना रहे जी हर एक पल हमारा खातिर खूबसूरत रहे काहे कि जब भी हमें मंच पे आई ये मंच के बारे में जब भी सोची तो बहुत घबराहट हो गई हमके इतना बड़ा मंच बा का हुई का ना हुई बाकी जब भी हमके 20 नंबर मिलल एक दो ही ऐसा बात रह जाइए 18-19 बैल तो हर एक पल जब भी हम मंच पे गए नहीं हमारा खातिर हमेशा खूबसूरत रही और ये पूरा जिंदगी हम याद रखब तो खूबसूरत पल में से कोई एक पल बताई हमके कोई एक पल बताई कुछ एक पल हमने सबसे शेयर करी हमरा खातिर इमंज के हर पल खूबसूरत रहे और यादगार रहे बाकी हमके सबसे ज्यादा खुशी है हम अपना पिनाई निगम भैया जन रहनी निगम भैया जी दूध वाला जी दूध वाला वो जब भी मंच पे आई ना मैंने अजीब विचित्र लागा सु और जब भी दूध वाली बात हो गए सही बात बा कि जब भी यहाँ आवास ओकरा परे दो ग्लास पी के ही आवास खड़केला तोहरे नावे करे जवा करे जवा गर्दा गर्दान हो गइल हो ए दुनिया में एक के निगम सिंह बाड़े जोन क्यों कर जीवन में दो चीज बहुत मायने बा पहला संगीत ए डार्लिंग कहिया होई हमनी के मिला दूसरा दूध हाँ दो एक ग्लास दूध पीता हूँ एक ग्लास दूध का कमाल है सुबह पीता हूँ फिर रात को पीता हूँ बीच में क्या करते दूध से हमारे देह मजबूत होले आज याद से हमारा संगीत सब दूध के कमाल बाका हाँ है सुबेरे जोन हमें गिलास दूध पिए नहीं कोई के कमाल है तू पल हमारे खातिर बहुत खूबसूरत रहे बहुत मस्ती वाला पल बहुत मस्ती करी हम जाके बैक स्टेज मनोहर जी के साथ बैठी सर हमने के और उनका यहाँ परफॉर्मेंस चले तो वो पल हमने के बहुत मस्ती करी सन और कोई एक पल जिसमें दिल से बहुत खुशी भइल रहे आँख से आंसू आ गइल रहे वो दिन जहिया सबके हमारे गाना की तारीफ कई लस अरे शकीरा एक रे कहल जला जीरा तड़का जुगुग जिया तहरा में भी उदम बा वो दिन हमरा लागल कि हम जन मम्मी के सपना लेके आए रहनी वो सपना हम पूरा कर सकते नहीं मन से वो पल हमारा खातिर बहुत महत्वपूर्ण रहे और बहुत खुशी आज 3 फाइनलिस्ट बाड़े यानी आपके छोड़ के 2 फाइनलिस्ट और तो का लागत आपके कि कौन टक्कर के हुई आपके सामने जोन रोड़ा हुई आपके रास्ते के जिनसे आपके डर लगा था जी थोड़ा थोड़ा डर तो दोनों जन से लागत हुए बाकी जन सबसे ज़्यादा बुझाते हुए एकदम मजबूत बा हम तीनों में हम तो बल्ले बानी बाकी हम के जन डर लगाते हुए वो हैं चंदन तिवारी जी अच्छा हाँ उनका भी गायकी बहुत ही अच्छा बाबा फोर्स के साथ गावे नहीं तो उनसे हमके कंपटीशन बा कोनो ऐसन पल रहे जब एक मोड़ पे आके मंच पे लगल कि आप चल जाए जब आपके लगातार तबीयत भी खराब रहे जी तब लागल तब तो एकदम लागत रहे कि आज हमके जाए के ही बा काहे कि हमारी तबीयत हमारे साथ ना देते रहे बहुत अजीब बहुत बुखार गला एकदम बैठ गए रहे
तब हमके बुझाए कि जन सपना लेके हम यहाँ आए रहनी वो सपना शायद पूरा ना कर सकब ओ से ज़्यादा हमके दुख ये बुझाते रहे कि मम्मी के हर एक सांस में हमारा सपना जुड़ल बा तो वो हम तोड़े के ना चाहते रहनी लेकिन माता रानी कृपा कैली हम पे हमारा आवाज़ ठीक हो गई तबीयत ठीक हो गई ओकरा बाद से हम बहुत अच्छा कोशिश करनी हो गई नी जिला टॉप शो और जिला टॉप फाइनलिस्ट अलका सिंह पहाड़िया के उपलब्धि में जुड़ गई नया अध्याय। भोजपुरी इंडस्ट्री की जानल मानल निर्माता निर्देशक राजकुमार पांडे जी की फिल्म देवरा भाई दीवाना में प्लेबैक सिंगिंग करे के सुनहरा मौका। नमस्कार, मैं हूं निर्माता निर्देशक राजकुमार पांडे और साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी। मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जो आप लोगों के बीच हमेशा आता रहा है और आप लोग देखते रहे हैं। अभी जो फिल्म मैं बना रहा हूँ उसका नाम है देवरा भैल दीवाना। आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हम पहली बार स्टूडियो में आए हैं और राजकुमार पांडे जी के आशीर्वाद से मोहन चैनल के आशीर्वाद से आज मुझे गाने का मौका मिला है। अलका खातिर इकोनो अवार्ड से कम ना रहे राजकुमार पांडे जी के ई लड़की आपन गायकी से कायल बना देहली। सिंगार बनी छोटी हाय से आतिया सिंगार बनी छोटी। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ महुआ चैनल का कि हर बार एक ऐसा शो एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है और साथ में साईं बाबा टेलीफिल्म्स जो गजेंद्र जी जो हमेशा एक ऐसे शो का प्लानिंग करते हैं। और जिस तरह मैंने सुर संग्राम जब देखा था और उसके अंदर जब दोनों लड़के एक तरफ आलोक एक तरफ अपना राठौर तो अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा अलका पहाड़िया जो जब मैंने शो देखा तो मुझे लगा ये लड़की तो कमाल गाती है और इसका जो एक अपना एक अंदाज अपना एक स्टाइल है। ई उपलब्धि खातिर अलका सभी के धन्यवाद दे रहल बाड़ी। इतनी घबराहट हो रही अंदर से कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा लेकिन माता ने बस कृपा करे कि हम अच्छा से गा दे और बहुत अच्छा गाए। अब अलका के हौसला फाइनल खातिर और भी बुलंद हो गए बा। दिल से आपके बहुत बहुत दुआ बा कि खूब आगे बढ़ी और जिला के जिला टॉप बनाई। ठीक 24 घंटा बाद ग्रैंड फिनाले बा तो आपन जिला खातिर आखिरी बार आप मंच पे का बोले के चाहब जिलावासी से। हम गोपालगंज के जिला के वासी से हमारे अपन प्यारे लोग से ये कहे के चाहब कि राउर अलका सिंह पहाड़िया जनी जिला टॉप के ट्रॉफी बा गोपालगंज ही लेके आई। रुआ परेशान मत हो कब काहे कि हमार हिम्मत कभी ना डगमगाई। तो आपके बहुत बहुत शुभकामना बा हमरा तरफ से। थैंक यू। जम के गाई हाँ दम लगा के आई एक हक दे दी। जिला गोपालगंज के फाइनलिस्ट अलका सिंह पहाड़िया तक साझा कैली अपन रोमांच से भरल सफर के। आगे जानल जाओ बाकी के दूगो जिला के योद्धा के पूरा सफरनामा। याद रहे ग्रैंड फिनाले बस 24 घंटा बाद होवे वाला बा। हुकार भी भर ले जिला गोपालगंज के अलका सिंह पहाड़िया। ग्रैंड फिनाले में वक्त कम हो रहल बा वैसे वैसे हमार दिल के भी धड़कन बढ़त जा रहल। फिलहाल हम बुलावे जा रहल बानी दूसर फाइनलिस्ट जिला गोरखपुर के जितेंद्र सिंह अंशु के। एक ऐसा सीधा सादा लड़का जे जिला गोरखपुर में गुमनामी की जिंदगी जियत रहे लेकिन उनकर आँख में ढेर सारा सपना पलत रहे। सपना आपन जिला खातिर कुछ कर दिखावे के। आज वो आम लड़का आपन मेहनत के बलबूते हो गयल बा पूरा जिला के खास। ओकरा पर टिकल बा पूरा जिलावासी के आस। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी फाइनलिस्ट जिला गोरखपुर के जितेंद्र सिंह अंशु के। टॉप 3 फाइनलिस्ट बने के आपके बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। रवा टॉप 3 फाइनलिस्ट बन गई नी अपन जिला के मंच पे एजा तक पहुंचा देली। का प्रतिक्रिया बा आपके पहला? हम एगो कॉलेज के लड़का रहनी। हम गोरखपुर जिला के एगो गांव पड़ेला गगहा। वहाँ एगो मोहल्ला बा हमरे मोहल्ला के नाम हटवा मंझरिया। वहाँ के हम रहे वाला हैं। हम एगो गुमनामी की जिंदगी जियत रहनी है क्षेत्र में। मेहनत करत रही लेकिन जितना सोची ओकर उल्टा होके बहुत कुछ कर चाहे यहाँ कि हमरा नाम से हमरा गाँव के हमरा क्षेत्र के जानल जा हमरा गोरखपुर के जानल जा। कुछ अलग करे के हमेशा कोशिश कर रहत रहनी लेकिन
हमेशा मतलब बैक सपोर्ट जो रहे उतना मजबूत ना, इससे गांव देहात के लोग हमरा चीज की एगो मतलब दूसर दृष्टि से देखे कि का नाचत गावत है, उनके दिल में एकरे प्रति थोड़ा भी सम्मान ना रहे, कौन तरह से ना क्यों कहे कि चलो ठीक है गावत तू हमार सपोर्ट बटे, ऐसा कुछ ना रहे हमारे साथे। लेकिन लोग के जवन हमके अवहेलना मिलल, जो जम भी हमके दूसर दृष्टि से देखल, वो चीज़ हमरा लिए मतलब एगो बूटी के एगो ताकत के काम कैलस, ओके हम एगो चुनौती के रूप में लेनी, कंटिन्यू मेहनत करत रहनी, लगल रहनी है फील्ड में। परिवार से भी उतना सपोर्ट ना मिलल, छोड़नी ना हार ना मननी, लगल रहनी, और आज लागत बा कि वो जौन सपना खातिर हम सोचले रहनी आज पूरा हो गेल बा, पूरा होता धीरे धीरे। और आज उहे लोग जे हमरा के ताना मारे, जे हमरा के नाचे गावे वाला बोले, हमरे विश्वास ना होता कि पीछे 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 घूम रहल बाने, हमार नाम लेला हमार काम कर दा। और आज पूरा गोरखपुर का पूरा मतलब जे भी हमरा के और भी अदरवाइज देखा था, जितना भी सपोर्ट बा, जितना भी उनके पास संभव आशीर्वाद प्यार दुलार हर तरह से हमरा के सपोर्ट कर रहा बा, बहुत खुशी बा, इसे लागत था कि हाँ हम का पा गए। क्या बात, जब टॉप थ्री फाइनलिस्ट बन के आप अपन गांव गए रहनी तो का रिस्पॉन्स रहे लोगन के, अपन माई बाप के और आपके घर के और सब लोग के, भाई बहन चाचा चाची सबके का रिस्पॉन्स रहे? जब हम के गोरखपुर स्टेशन पे गए नहीं उतरनी, कहा फिजा रहे कहा माहौल रहे, मतलब हमरा लगे कोनो व्याख्यान ना बा, का बताई, फूल माला से एकदम लद गई रहनी, आ जवन प्यार दुलार हमरा के मिलल कसम से बता रहा बने कि आँख भर आई लो, हाँ सबकर प्यार देख के सबकर दुलार देख के। भोलेनाथ की कृपा है, बाकी सब समाज की जनता की कृपा है, सबका आशीर्वाद है उसके साथ लगा हुआ है। अंकु हमारा बहुत आगे जा, जिला टॉप जीत के अपने जिला के नाम ऊंचा कर दी। हमके पूरा विश्वास बा कि हमारा अंशु बाबू जिला टॉप जीत के आई। वहाँ से मंच पे पहली बार जब आप आयल रहनी, इतना बड़ न्यायाधीश के सामना कैनी, तो कैसन लागल? कैमरा के फेस कैनी, पूरा दुनिया आपके देखा था उस दिन से, आपके पूरा दुनिया जाना था कि हाँ जितेंद्र सिंह अंशु एगो गायक बाड़े, जिला टॉप में जिला टॉप बनावे खातिर आयल बाड़े। सही मायने में बताएं तो हमके थोड़ा भी उम्मीद ना रहे कि हम यहाँ तक पहुँच पाए, कहे कि बहुत बढ़िया बढ़िया लड़के भी आए लने, लेकिन जो हमार मेहनत रहे हमेशा कंटिन्यूटी बनल रहे, लगल रहनी शुरू से, और जहाँ भी जेकर कमजोर कड़ी रहे ओके पकड़ के चलनी शुरू से, और आज हमके ए मंच पे ला के ए पैदान पे खड़ा के लस, हमार मजबूती हमके बनौलस, हमके सब कुछ दिलस। आपके जब जब परफॉर्मेंस भइल रहे तब तब आपके याद होके के चाहिए कि हम कूद के अपने आप के बिना रोक ले ये मंच पे आ जाते हैं। हम आपकी बता रहे बने कि हम जब यहाँ गावे आवत रहनी मंच पे, हमार जब परफॉर्मेंस के बारे आवे तो ये सोच के तो चढ़बे करे कि हम के बढ़िया करे के बाद बढ़िया गावे के बाद, क्या कि दौड़ में हमेशा बनल रह के रहे, आगे के भी सोच रहे, लेकिन ओकरे साथ साथ यूँ सोचत रहे कि कुछ इतना बढ़िया गावे के बाकी रहूँ आ जाए तनी मजा आ जा। आपके को बात बता रहा बानी, जब हम पहुँचने अपना जिला तो लोग यहाँ तक कहल कि अरे यार अंशु हमें भी मिला दो, क्या यार क्या लगती हैं, और कसम से बता रहा हूँ हमके खुद ना मतलब जब पहला बिर आप पहला दिन हमारे गाना पे डांस करनी, मतलब ओकरे लिए हमारा पास कोनो शब्द ना कि हम आपकी पर्दा पे देखत रहनी एगो हीरोइन के रूप में सोचे आए हैं, हम बैठी हॉल में देखी क्या लगती है क्या नाचती है क्या करती है, काश हम भी बगल में होते हैं, और जब बगल में आप आ गए ना तब फिर तो एगो सपने पूरा हो गए। कैसे बम बोला? आपके तो सब हीरो कहे ले। चलो तो एक एक काम करा, कहिए एक सीन करना है फिल्म का, ठीक है? आप हीरो हम हीरोइन, हीरो अपनी हीरोइन से कैसे बात करेगा? हेलो
हेलो काहो का हाल चाल है एकदम ठीक बाटे रहुआ कैसुन बानी अरे का बताई थोड़ा याद में पल पल मरा तानी अरे बाप रे बाप हमु कैसे जिए तानी हमरा हम बता न सकीले तोरा के देखल एकदम मतलब कितना दिन हो गेल आओ ना तनी केकर ख्वाब ना होला ऐसा कुछ होके और इसे भक्त के भगवान मिल जाओ इसे हमरा के आप मिल गए मजा आ गई बात खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करतानी और ये हमार सौभाग्य के बात बा कि हम आपके साथ नाचत रहनी और आपके साथ बात करे के हमके मौका मिलल और हमके उहो दिन याद बा जब आप हमार पैर दबावल रहनी हम रउआ खातिर कितना दूर से चल के आ रहल बानी गोर पिराता दबा दी अच्छा आवा आवा अरे पैर तो मतलब ठीक है दबाए थे अब वैसे ना आप कह देने की दबावे के पड़ल ना वैसे मजा आयल मजा आपको क्या आयल ना हाँ हमके तो बहुत आयल जब दर्द रहे तो दबवा लेवे के चाहे हमरो दर्द हुई तो मुंह दबवा ले अच्छा हमसे जैसे मन करियो से मतलब दर्द हुई तो दबाओ ही दर्द जाए कैसे अब यहाँ कौन दवाई बा कौन मेडिकल स्टोर बा ठीक बा हम दबा देव चिंता मत करी रहुआ आप जब दूध वाला आपके याद बा हम उनके नाम देत रहनी हम निगम सिंह जब वो जात रहनी ई मंच से अलविदा तो आप खूब जोर जोर से रोवत रहनी है आपके आंसू एकदम रुकात नहीं थे कैसन लागल का ऐसन दोस्ती भइल रहे आपके साथ काहे रोनी है आप थोड़े गम है थोड़ी खुशियां यही है छाओ धूप ये जीवन है सबसे बड़े को बात बता रहा बानी कि यहाँ हमने के 24 लोग आए रहने 24 जिला के दावेदारी ठोके और सब कोई सबके बारे में सब जाना था कि मतलब दिल के केहू बुरा ना रहे सब अच्छा रहे अपना अपना जगह पे लेकिन एगो अपन अपन लगा होला जुड़ जाला जेकर दिल से दिल मिल जाला निगम भी कुछ वैसे रहे मंच पे आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन रहल जे आपके खुद से लागल कि सबसे अच्छा गवनी हम सबसे अच्छा परफॉर्म कैनी कौन सा परफॉर्मेंस जहाँ तक बेस्ट परफॉर्मेंस की सवाल बाटे तो हमारे ए मंच पे पहला एपिसोड हमके याद पड़ेला पूर्णिमा मैम राजेश सर दोनों लोग बैठे थे और हम गा रहा नहीं कि सासू न घरवा ससुर जीव दुअरवा देवरा गईल खरिहानी उठा रहा जगोदिया में आपो डांस के ले रहे कि हम अपने आज तक के जितना भी परफॉर्मेंस के नहीं सबके देख के बता रहे बने कि वो दिन के परफॉर्मेंस हमारे सबसे बेटर रहे काहे कि हमारे पहला रहे मंच पे और इतना बड़ मंच पे कौनों पहला परफॉर्मेंस कर रहा नहीं और जिसन प्रतिक्रिया मिलल सब कोई मतलब प्रभावित भइलो से और हमरा लिए बहुत बड़ बात भइल आगे के लिए हमके हौसला मिल गए हमके आगे भी कुछ हम कर सके नहीं हमके वो भी दिन याद बा जौन दिन आप गाना गाइल रहनी और सुर संग्राम फर्स्ट के दू गो विनर आयल रहे मंच पे और दोनों के आप झुमा देनी आपके साथ नचनी भी वो लोग आलोक कुमार और मोहन जी अरे यही सचुअत लहारबा
कैसन लागल उस दिन, कैसन आपके एक्सपीरियंस रहे, का लागत रहे कि इतना बड़ सिंगर लोग यहाँ आपके साथ आके परफॉर्म किए? हम अपने आप के गौरवान्वित फील कर रहे बानी, अभी भी आजो भी हमेशा करत रहो चीज के लेके कि का हम गौनी का बढ़िया गा देने की इतना बड़ मतलब लोग हमारा बीच पे हमारा आके हमारा साथे आज झूम गए। आलोक भैया, मोहन भैया, राजेश सर, इंदू मैम, सब कोई वो दिन हमसे बहुत प्रभावित भई, बहुत बढ़िया लगा था, हमेशा हम क्यों दिन याद रही, एगो जिंदगी के बहुत मतलब सुखद पल हमके लगा, बहुत बढ़िया। एक दिन उभी रहे जौन दिन आपके आँख में आंसू रहे, 25 नंबर आपके मिलल रहे सबसे कम नंबर, वो दिन आपके जाए के चांस तो एकदम बनल रहे, हमके हमके तो लागल कि आप चल जाइए। आदमी के लेला ये जिंदगीया इम्तिहान, बिदना के लेखा कटना कटाई, बिदना के लेखा कटना कटाई है विधि के। टोटल मिलल आपके 25 नंबर, फिनाले नजदीक बा, वो दिन का महसूस होत रहे आपके? एमन से हमरा जब से गावत बानी, जब से हम गा रहल बानी, वो परफॉर्मेंस हमरे मतलब अब जितना भी भइल सबसे कमजोर रहल, हमरा खुद लागल कि हाँ आज ना बच पाए हम, एक मिनट के लिए हमरो आत्मविश्वास हट गेल हमरा पर से, लेकिन फिर से भी जब हम दोबारा एमन से हमके एक मौका मिलल अगला एपिसोड में एलिमिनेशन राउंड में, हम ही सोच के मन से पहने कि ये हमारे आखिरी ना आखिरी परफॉर्मेंस है और इतना कर देवे कि बाकी हमरा के लोग हमेशा याद रखे, और पूरा कोशिश करके पूरा दम लगा के गौनी, साथ ही साथ ही ऊपर वाले के कुछ आशीर्वाद रहे कि हमरा पीछे जो रहे वो कुछ गड़बड़ हो गए और वो 25 के जो दुख रहे वो अगला 30 में सुख में बदल गए, हमार मेहनत रंग ला दिलस, बहुत खुशी मिलल। पर आप बच गई नहीं और ए मंच पे टॉप 3 में आ गई नहीं, तो बहुत बड़ बात है कि सब के सब सिंगर एकदम दमदार रहे। बाकी के दो गो फाइनलिस्ट में से कौन एगो टक्कर के कॉम्पिटिटर पा आपके जेकरा से आपके डर लागत है? जी जरूर, आज जिला टॉप के यहाँ तक मंच की हम सफर से तय के लिए वानी, तो बहुत बढ़िया बढ़िया लोग से भी सामना करे के पड़ल, बहुत मतलब कुछ ऐसा भी रहने जी हमरा से कुछ कमजोर भी रहे, कोई हमरा से बहुत मजबूत भी रहे, तब हर तरह के माहौल में ढल गए बानी, और रहल फिनाले के बाद तो डर तो ना लागत है कोई से, लेकिन थोड़ा मोड़ा टक्कर के बाद बात दोनों लोग दे जोने में थोड़ा मोड़ा मान थे चंदन के, पक्का दम पक्का है, तो डट के रही एकदम जम के गाई आखिरी बार इस मंच पे, यानी कि अब तो ग्रैंड फिनाले में कुछ ही घंटा बाकी बा, तो आखिरी बार इस मंच पे इस मंच के जरिए अपन जिला से का बोले के चाहब? हमरा जिला के, हमरा क्षेत्र के, हमरा गांव के जे भी लोग बा आज हमरा से बहुत उम्मीद लगा के बैठल बा, अभी ले जितना प्यार दुलार सपोर्ट देले बा ओकर इज्जत हमके बचावे के बा, और हमार वहाँ लोग से ही विनती बा कि जितना प्यार हमरा पे बनौले बानी रहुआ लोग बनौले रही, इराउर अंशु राउर सपना जरूर पूरा करी, राउर सपना जौन देखल बा उहे हमू देख रहल बानी, बस आप लोग प्यार बनौले रही, बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद हमरा पे रही, हम जरूर वहाँ ले पहुँचब और जरूर ओके पूरा करी। आपके ढेर सारा शुभकामना बा, हमरो खुद बहुत ज्यादा डर लगा था कि का होई ग्रैंड फिनाले में, तो ऑल द बेस्ट कहब जम के गाई। अभी तक हम दो को फाइनलिस्ट जिला के योद्धा के सफरनामा सुन ली और देख ली, याद रहे भोजपुरिया जहान ये 3 गो जिला में ही छुपल बा जिला टॉप के विजेता, और ग्रैंड फिनाले में 24 घंटा से भी कम समय बचल बा, कल ये मंच पर तीनों जिला के बीच हुई महाजंग, कल लिखाई भोजपुरिया संगीत में नया इतिहास। अभी बाकी बात तीसरा फाइनलिस्ट जिला बोकारो के चंदन तिवारी के सफरनामा, दो गो जिला के शानदार अद्भुत सफर के जाने के बाद अब बारी बात तीसरा फाइनलिस्ट जिला बोकारो के चंदन तिवारी। चंदन अपन आत्मविश्वास और माई के आशीर्वाद के दम पर आज ई मुकाम पर पहुंचले बाड़ी, इनकर सफर भी कोनो परी कथा से कम नहीं थे, तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी जिला बोकारो के सुरांगना चंदन तिवारी के। कैसन बानी चंदन आपके बहुत बहुत मुबारकबाद हम देवे के चाहतानी कि आप अपन जिला के कमान संभाल के इस मंच पे एजा तक पहुंच ले बानी। धन्यवाद और आपके जिला के सलाम बा।
आपके पहला प्रतिक्रिया क्या बा टॉप थ्री बने के बाद? बहुत खुशी मिल रहल बा यहाँ तक हम पहुँचनी, का बताई इतना मतलब खुशी मिल रहल बा। बहुत छोट से मोहल्ला से हम बानी जहाँ हमार नाम केहू जानत ना रहे, हमके स्टेज भी ना मिलत रहे। बहुत मुश्किल से हम ई मंच, इतना बड़ा मंच हमके मिलल बा। अब हम का बताई इतना खुशी हो रहल बानी, हम इतना खुशी मिल रहल बा, एकदम विश्वास नहीं के हो कि हम एजा तक पहुँचनी। आपके यहाँ तक के सफर में हमके पता बा कि आपके माई के हाथ बा। आपके माई से बात भइल? जी। कहाँ बाड़ी हो? आयल बनी हो। अच्छा, ये फाइनल देखे खाती का कहली हूँ आज टॉप थ्री में आवे के बाद उनकर रिएक्शन का रहे आपके खातिर? पूरा एकदम भगवान के गोहराव तारी कि हमार बेटी, ऐसे तो तीनों बराबर, हर माँ के खातिर तो बाल बच्चा बराबरे होला, हमरा खातिर खास करके हमार मम्मी भगवान के गोहराव तारी, महाराज जी के गोहराव तारी। इहे कहली हमरा से मम्मी कि एकदम जी तोड़ मेहनत करे के बा और आपन जिला के शान रखे के बा, मान सम्मान तोहरे बढ़ावे के बा, कमान जौन बा जिला के तोहरे हाथ में बा, एकदम हारे के नहीं खे, एकदम जीते के बा। एक दिन याद बा हमके जब आपके माई यहाँ आयल रहली और आपके माई के देख के, आपके माई के बोलना पे वो देख के सुन के हमके अपन माई के याद आ गेल रहे। हमहू अपन अपने आप के रोक ना पैनी, हमहू रो पड़नी। जोरदार ताली से स्वागत करी चंदन की माँ। तो आपको तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं हम। मैं भी आप सबों को प्रणाम करती हूँ। आपके बेटी खातिर कुछ बोले के चाहे हम? मैं बेटा बेटी में अंतर नहीं समझती, जो बेटा को आज़ादी मैंने दिया है वो बेटी को भी दिया है। क्या बात। और बेटियाँ वो कर दिखाती हैं जो बेटा नहीं करते। हमारे घर में बेटा बेटी एक समान है। आपको देख के मेरी माँ की याद आ गई, ऐसे ही खड़ी होती है मेरी माँ हमेशा मेरे लिए पीछे। क्या बात। आज यहाँ तक है हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। रोइए मत, रोइए मत। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो भी सब कुछ है, क्योंकि माँ का ही दिया हुआ हर कुछ है हमारे पास, तो इसीलिए नहीं रोते। और हमारी कोशिश है, मैंने वो शिक्षा दी है चंदन को कि कभी अपने जिला को पीछे नहीं रहने देना, आगे बढ़ते रहना। तो कैसन फील रहे आप, का लागत रहे आपको जे दिन मम्मी आई रही? जी मतलब जब मम्मी कुछ भी कहे ली ना, जैसे कि पहले गावे के पहले कहली कि बेटा एकदम अच्छा से तैयारी, पूरा एकदम तैयारी के साथ जोर शोर से अपन परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट से बेस्ट तोहरा देवे के बा, एकदम डगमगाए के नहीं खे, आगे बढ़े के बा, पीछे मुड़ के देखे के नहीं खे, तो एकदम उहे बात हमारा दिमाग में बार बार घूमत रहे, एकदम उहे बात के एकदम पकड़ लेनी हम और बोलनी कि ना हमारा एकदम दमदार तैयारी करे के बा, देवे के बा, एकदम नंबर अच्छा पावे के बा। जज लोग के भी कमेंट्स बहुत अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस हम कहीं नहीं तो हमरा मिलल, तो एकदम वो हम रोक ना पानी, आँख से आँसू एकदम निकले लगल। और मम्मी जन हमरा के बतावे ली ना तो बहुत हमरा खुशी मिलेला, उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ तक बानी। माई एगो बहुत बड़ हिम्मत होली अपन बच्चा खातिर। जी हमके भी पता बा कि आज हमार माई हमके टीवी में देखत हुई है और देख के ओकरा आँख से आँसू गिरत हुई, ये हम महसूस कर रहल बानी मंच पे खड़ा होके, और उनके दुआ की वजह से हमहू एजा तक पहुँचनी है। जी जब आपका पहला दिन था, जब पहली बेर आप मंच पे आयल रहनी परफॉर्मेंस खातिर, वो दिन आप सामने न्यायाधीश मंडल में पूर्णिमा जी के देख ले रहनी, एक ऐसन हस्ती जिनकरा से मिले खातिर लोग परेशान रहेले। जी तरसे, मतलब हम खुद कभी कभी जीवन में ना सोच ले रहनी कि हम सामने उनके ऐसे एंकरिंग करब, तो हम तो बहुत खुश भइल रहनी। आपकी का लागल रहे और उनके पहली बार कहनी हूँ आपके कि आप बोकारो में क्या कर रहा था नी? आपके तो बम्बई में होके की चाहिए, अब का लागल कहाँ अपने आपको तुम छुपा कर रखी हो बेटा, मुंबई आओगे मुंबई को हिला दोगी तुम। रोग हो गए न तुम्हें आज अब
बहुत अच्छा लागल जब पूर्णिमा मैम सुननी हम कि पूर्णिमा मैम आवे वाले बाड़ी तो एकदम खुशी के कोनो ठिकाना ना रहे हमरा, लेकिन जब गावे के रहे उनका सामने तो और थोड़ा सा टेंशन में हम रही कि पता ना अच्छा गाना हुई कि ना हुई, का कमेंट्स मिली। जब हम गाना गवनी आ जब वो हम मतलब हमरा कमेंट्स जब मिलल हमरा दोनों जज लोग से, आ पूर्णिमा मैम तो ये कहनी हमरा से कि तू तुहार आवाज़ बहुत अच्छा बा, प्लेबैक सिंगर के जैसन आवाज़ बा तुहार, तू बहुत अच्छा गवलू, तुहरा यहाँ ना बॉम्बे में होके के चाही, तो बहुत खुशी मिलल हमरा इस सुन के। आपके तो इतना सारा परफॉर्मेंस रहे, एकदम दमदार, एक पे एक परफॉर्मेंस ऑफ द डे के खिताब भी मिलल, लेकिन आपके हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपके कौन से रहल जो दिल से आप गवली हैं? सबसे अच्छा तो बिजली गिराई देवना, बहुत अच्छा लागल। तुहार वॉइस जैसे कल्पना दी बड़ी, इंदु दी बड़ी और ममता और विजेता गोस्वामी, मतलब वो टाइप से नहीं, सब एक ही जैसे, मतलब बहुत मतलब अच्छा क्वालिटी बटे वॉइस तुहार, मतलब आवाज़ बहुत प्यारा बटे, बहुत बढ़िया से तू गैलू है, सब कर याद आ गई गाना के सुन। बोकारो जिला का एकदम नाम रोशन कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कीजिए। लोग भैया भी कहनी कि एकदम फाड़ देलू, गर्दा कर देलू। मोहन भैया भी कहनी हमारा साथ डांस कहनी, गाना गौनी हमारा साथ, वो बहुत अच्छा लगा हमरा। बहुत बहुत मस्त परफॉर्मेंस रहे आपके। आ जी बिल्कुल, वह हमारा खातिर रहे एकदम मस्त छकास परफॉर्मेंस। आपके कौन से ऐसे परफॉर्मेंस रहे जेकरा में आपके लागल कि अब तो ना बच पाई, अब जाइब? कौन से परफॉर्मेंस रहे? एक रहे जौन वेस्टर्न हमके मिलल रहे, ओ में थोड़ा सा डर लागत रहे कि हम अच्छा से निभा पाइब कि ना। लगत रहे कि कैसन हो पाई, लेकिन जब गयनी गवनी हम गाना और सर लोग कमेंट्स अच्छा देलन, नंबर अच्छा मिलल, तो बहुत खुशी हुई। वो गाना खातिर आप एक वेस्टर्न ड्रेस पहन ले रहनी। जी जी जी, हमके तो लागत था कि वो पहली बार आप पहन ले रहनी। कैसन कैसन लागत आपके वो दिन, कैसन लागल रहे कि हम अचानक से सूट सलवार में आवत एगो लड़की अचानक से वेस्टर्न ड्रेस पहन के, थोड़ा अनकम्फर्टेबल आपको लग रहा था, ऐसा देखने में लग रहा था हमको? जी जी एकदम वैसे ही लागत रहे हमरा। कैसन लागत रहे? डर लागत रहे कि ऐसा पहनले बानी, थोड़ा सा हिचकिचाहट रहे मन में कि कैसन लागत आनी हम, गाना हमारा अच्छा हुई कि ना। हमार हमेशा से शुरू से हमार ये प्रयास बा कि हमार गायकी अच्छा हो। बिल्कुल ना, थोड़ा सा लेकिन रहे मन में खिंच के। आपके दो गो फाइनलिस्ट में से केकरा से डर लागल कि का हुए, काहे कि ग्रैंड फिनाले समय देख ले बाबू बहुत नजदीक बा, तो का लागत आपके कि कौन दोनों फाइनलिस्ट में से एगो बाड़ी जिनका से आपके डर बा? दोनों में से एगो जन बाड़ी वो अलका सिंह पहाड़िया। अच्छा, लेकिन उनके हम पछाड़ दे, एकदम आगे बढ़ जाए भुंकरों से। पक्का? जी पक्का, एकदम वादा बा, ट्रॉफी तो एकदम बोकारो जाई, आशा देख रहल बा बोकारो वासी। जम के तैयारी बा? जी बिल्कुल, एकदम दमदार तैयारी बा। चलिए तो बहुत बड़ बात बा कि आपके माई भी आयल बाड़ी ग्रैंड फिनाले में आई हैं, और बहुत बड़ बड़ अपन न्यायमंडल में लोग आई हैं, तो जम के परफॉर्मेंस दिया, हिला के रख दिया सबके एकदम। हाँ हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल। तो मंच पे आज आखिरी दिन बा आपके, आपके पता बा जी काहे के ग्रैंड फिनाले बा,
तो का कहे के चाहब अपन जिलावासी से, अपन माई से, अपन घर वाला लोग से? सब लोग से हम यही कहे के चाहब कि अपन जिला के कमान चंदन तिवारी के हाथ में देले बानी तो एकदम मजबूती से हम अपन गाना प्रस्तुत करब और ट्रॉफी लेके एकदम बोकारो आई। आपके दिल से शुभकामना देता नी, काहे से कि आपके माई बाप इतना संघर्ष करके इस जगह पे पहुँचले बाड़न, उनकरा खातिर आप इस मंच पे बाड़ी। जी उनकरे खाती, हमारे जिलावासी के खाती, अपन मम्मी पापा के खाती, भाई बहन के खाती, लड़े के बा हमरा एकदम जीते के बा। तो संघर्ष के अपन माई बाप के याद रखिए। जी बिल्कुल। और संघर्ष याद रख के मन में रख के परफॉर्मेंस दिया तो परफॉर्मेंस एकदम जम के हुई। जी, जी। तो ऑल द बेस्ट कहब आपके, बहुत बहुत शुभकामना बाटे, जम के गाई और जीती। धन्यवाद, यही चाहब। ऑल द बेस्ट। समय आ गए बा आखिरी ब्रेक के। अब जानल जाई कि तीन गुजला के योद्धा अलका सिंह, जितेंद्र और चंदन के बारे में कि कौन लहर चल रहल बा पूरा भोजपुरिया जहान, कि जनता के का बा ख्याल इन तीन गुजला के बारे में, और देखल जाओ कि कैसन हो रहल बा ग्रैंड फिनाले के घमासान के तैयारी। अब ग्रैंड फिनाले में बाकी बा 24 घंटा से भी कम समय। इस सफर में दोगो ऐसन महान शख्सियत रहले जे बराबर पूरा सफर में उंगली पकड़ के तीनों फाइनलिस्ट के एजा तक पहुंचौले। उ रहले आपन न्यायाधीश राजेश पांडे जी, इंदु सुनाली जी, एक परिवार के मुखिया के तरह इ प्रतिभागियन के खूबी के खूब निखारे तक कमी के कड़ाई से रोकले भी। आज उनकर इ मुंह से सुनल जाओ तीनों फाइनलिस्ट के बारे में का ख्याल बा। हमर जे जर्नी रहल अब तक के, एमे हम ये देखनी है कि मैं कहाँ कहाँ से, छोट छोट जगह से, हर जिला से यहाँ ई जगह लाबे के प्रयास रहल, ये हम हमरा बहुत प्रसन्नता भइल ये सब देख के। स्वाभाविक तौर पर कि हमरा खास तौर पे हमरा एगो चैलेंज रहल, हमरा खातिर एगो चुनौती रहल ए बेरा। ये उम्मीद बा, आशा बा कि जे हम जे भी हम चयन केनी है, जे सब अलहन है, तो हमरा बुझात कि सब ओकर काबिल रहलन और तभी यहाँ तक पहुँचलन सब, और तीनों के हम बधाई देते हैं। जिला के लोग के दावा सच करे खातिर तीनों फाइनलिस्ट अपन तैयारी में जी जान लगा देले बाड़े। ए जंग में जीते खातिर हम एकदम जोरदार तैयारी करते हैं, एकदम भरपूर तैयारी करते हैं कि फिनाले में हमके जीते के ही बा अपन गोपालगंज जिला के टॉप बनाए बा। ए बदे अपन जी तोड़ मेहनत करते हैं, एकदम जी जान लगा देले बने अपनी तैयारी में। हमके दोनों को गायकी अच्छा लगत हुए, सबके मेहनत करते हुए, जितेंद्र सिंह अंशु और चंदन तिवारी। बाकी हमारा नाम अलका सिंह पहाड़िया, तो ये लोग के कुछ गले ना गले से हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, काहे कि हमके राजेश सर भोजपुरियन सकीरा कहे नहीं, हम भोजपुरी सकीरा हैं और सकीरा के अंदाज में सबके पानी पिया कर रख देम, सब जिला कहाँ ना पता हो जी बुझे वो ना करी। अरे संगवे संगवे सैया तोहरे रोपनी कराई। जिला टॉप के फिनाले के खड़ी हमरा एकदम करीब आ गए, हम फिनाले में जगह बना ले नहीं, और तैयारी के बाद बात एकदम जबरदस्त बात गजब के फाड़ू फिनाले देखे के मिले। रहल अब टक्कर के बात, एगो घमासान बहुत बड़ा युद्ध देखे के मिली हमन के तीनों जनी के बीच, अलका सिंह पहाड़िया, चंदन तिवारी। लेकिन घबरेला के बात नहीं बा, गोरखपुरिया जवान बानी और वहाँ सबके तो पते बा कि गोरखपुर के जवान हार ना मानेला, काहे कि ओकरा ऊपर बाबा गोरखनाथ के असीम अनुकंपा। फाइनल खाती हमार एकदम दमदार तैयारी बा, पूरा एकदम जी जान लगा देले बानी हम। एक बार गाती हो ना, उसको दो बार करना।
टक्कर तो हमरा अंशु जितेंद्र सिंह अंशु और अलका सिंह पहाड़िया से बा, लेकिन उ दोनों लोग के हम पछाड़ के एकदम आगे अपन बोकारो जिला के झंडा गाड़ब। आ हमेशा हमारे यही प्रयास रही कि हम अपन एकदम पूरा मेहनत करके अपन गायकी के माध्यम से अपन जिला के जिला टॉप बनाई। तीनों फाइनलिस्ट उत्साह से भरल बाड़े, वो अपन तैयारी में कोना भी कमी ना छोड़ रहल बाड़न। आई देखल जाओ कैसन हो रहल बा ग्रैंड फिनाले के महाजंग के तैयारी। आज अलका हमार बहिन जिला टॉप के फिनाले तक पहुँचल बड़ी, हमी के बहुत खुशी होता टे। मोड पे खड़ा रहनी जोना के बारे में कब सोचले तक ना रहनी। आज फिनाले का महा खुशी बा, तीन प्रतिभागी लोग फिनाले में पहुँचल बा तीन जिला, और हमरा तरफ से तीनों जिला के बहुत बहुत शुभकामना। हम 24 प्रतिभागियों को चुनकर लाए थे, हमारे लिए सारे फाइनलिस्ट, सबके साथ हम मेहनत कर रहे थे और अभी इन तीनों के साथ मेहनत कर रहे हैं। तीनों जिला के ललकार के सुन के ई कहल जा सकेला कि कल जंग के जो नजारा पेश हुई उ रउआ आज तक ना देखले हो कब, ना तो कभी सोचले हो कब। भोजपुरिया जहान ई तीन फाइनलिस्ट जिला गोपालगंज के अलका सिंह पहाड़िया, जिला गोरखपुर के जितेंद्र सिंह अंशु और जिला बोकारो के चंदन तिवारी के साथ ग्रैंड फिनाले में हुई भीषण संग्राम, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस के बिखरी जलवा। ग्रैंड फिनाले भोजपुरिया संगीत के लिए हुई सबसे बड़ा दिन, कौना एक जिला बनी भोजपुरिया सिरमौर, कौन जिला बनी जिला टॉप, जाने खातिर जरूर देखी जिला टॉप जंग सुर के ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड फिनाले के रोमांच से भरा महासंग्राम में हुई फिर मुलाकात। तब तक के लिए करी अपन जिला खातिर दुआ, शुभ रात्रि, शब खैर। अरे बिना मोछ वाले रवि भैया भारी पड़े, बहुत अच्छा, दिल एकदम खुश हो गई। सैया जी दिलवा मांगे रे दम छाती छाई के, चली समियाना में हो, चली समियाना में आज तुम्हारे चलते गोली। सुनाओ द रिजल्ट, हमरे हाथ में रिजल्ट आ गई बाटे, गोरखपुर गोपालगंज के बोकारो।